तो आज बात असदुद्दीन ओवैसी की और उस मंसूबे की जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी AIMIM राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन जब खुद हैदराबाद के नगर निगम चुनाव हो रहे हैं तो उसमें आधे से भी कम सीटों पर वो अपने उम्मीदवार आखिर क्यों उतार रहे हैं। तो हम आपको पूरी बात समझाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के वो अध्यक्ष जिन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कई राज्यों में हैदराबाद के बाहर पैर फैलाने की कोशिश की है, चुनाव लड़े हैं। अभी अभी बिहार में 5 सीट उनकी पार्टी जीत भी चुकी है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, इस बार सारी की सारी सीटों पर उसके उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस भी सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। कुल 150 सीटें हैं वहां पर जो हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव में है। TRS भी जो तेलंगाना की पार्टी है वो भी वहां पर कुल 150 उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ 51 सीटें यानी आधी सी भी कम सीटों पर अपने उम्मीदवार आखिर उतार रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? वैसे ये वजह तो वो खुद ही समझते होंगे, लेकिन जो पुराना ओल्ड हैदराबाद वाला हिस्सा है जहां पर उनका वर्चस्व है वहां पर वो कई उम्मीदवार उतार रहे हैं। पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण किस तरह का होगा आप सोचिए। बीजेपी ने सारे के सारे हिंदू कैंडिडेट उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पुराने हैदराबाद के एरिया में कई मुस्लिमों को इस बार उम्मीदवार उतारा है, तो घमासान वहां पर बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो शख्स बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों पर 44 उम्मीदवार अपने उतारे थे, महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी ने, वो शख्स आखिर हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव जब होते हैं तो उसमें सिर्फ 51 उम्मीदवार ही क्यों उतारते हैं? हालांकि अभी भी जिस तरह की लड़ाई वो देख रहे, पूरी ताकत न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी इन चुनावों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी हाल में हैदराबाद जिस पर वर्चस्व रहा है खानदानी तरीके से इस परिवार का, वो वर्चस्व कहीं हाथों से निकल ना जाए। अब हम आपको 2016 में जो नगर निगम चुनाव था उसका समीकरण समझाते हैं, क्योंकि 2016 के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में TRS ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत दर्ज की थी। TRS को इस तरह की सफलता वहां पर मिली थी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटें जीती थी। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही थी और हालांकि अगर आप अंदर से जाने तो करीबी रिश्ता है TRS के प्रमुख में और असदुद्दीन ओवैसी में, लेकिन तेलंगाना में ओवैसी का जो है ना दायरा वो बहुत सीमित है। और उस सीमित दायरे को समझाने के लिए आपको ये देखना होगा कि हैदराबाद के नगर निगम चुनाव ही नहीं बल्कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर कभी भी ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा है। ओवैसी की पार्टी ने अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे जिसमें से 7 जीते थे। इससे पहले 2014 में उन्होंने महज 8 सीटें लड़ी थी, सभी जीती थी, लेकिन 18 में उन्होंने अपनी राजेंद्र नगर सीट गंवा दी जहां ओवैसी और उनके परिवार का खुद का घर है। तो ये एक आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमित दायरे में रहते हुए आखिर सिर्फ लगभग 33% 150 में से 51 सीट पर लड़ना, मतलब 33% सीटों पर ही इस बार ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं।